नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल व्यास अकेडमी सतोखर तालाब बाराबंकी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अजय सर आपको व्यास कोचिंग में संस्कृत पढ़ाता हूं, और आज मैं आपको यहां पर ऑनलाइन के माध्यम से संस्कृत पढ़ाऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार। ठीक है, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे परीक्षा में एक या दो नंबर का प्रश्न हर बार आता है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्र की परिभाषा, कि माहेश्वर सूत्र की परिभाषा क्या है। तो माहेश्वर सूत्र को हम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो देखिए, भगवान महेश यानी शिव शंकर ने एक नृत्य किया, और उस नृत्य के दौरान जब उन्होंने डमरू बजाया, ठीक है, जब डमरू बजाया तो उन डमरू से जो है कुछ ध्वनियाँ यानी कुछ विकार उत्पन्न हुए, और उन ध्वनियों को जो है लिपिबद्ध किया महर्षि पाणिनि ने। यानी महर्षि पाणिनि ने उन ध्वनियों को एक ग्रंथ में लिखित रूप से रचना की या वर्णन किया। ठीक है, और वो कुल 14 सूत्रों में विभाजित किया, उन्हीं ध्वनियों को कुल 14 सूत्रों में विभाजित किया, और इन्हीं सूत्रों को हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र। ठीक है, इन्हीं सूत्रों को हम क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि भगवान शिव के डमरू से निकली हुई ध्वनियां जिनको महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध किया, ठीक है, अपने ग्रंथ में कुल 14 सूत्रों के अंतर्गत, या कुल 14 सूत्रों में, है ना। और इन्हीं सूत्रों को हम क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। देखिए, बगल में यहां पर लिखा हुआ है साइड में प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होते हैं तो मैं बता दूं, माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण होता है, है ना। माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण होता है, और आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से माहेश्वर सूत्र जो हमारे 14 होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और इनसे प्रत्याहार कैसे बनते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, माहेश्वर सूत्र की परिभाषा आपने जान लिया है। माहेश्वर सूत्र के कुछ हमारे उपनाम या अन्य नाम हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं। जो पहला हमारा नाम है वो है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र। दूसरा हमारा है शिव सूत्र। तीसरा हमारा है पाणिनि सूत्र। चौथा हमारा है वर्ण या अक्षर सामम्नाय। ठीक है, और अगला हमारा है चतुर्दश सूत्र। तो देखिए, ये मैंने जो भी लिखा है ये हमारे माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम है, मतलब माहेश्वर सूत्र को हम प्रत्याहार सूत्र के नाम से, शिव सूत्र के नाम से, पाणिनि सूत्र के नाम से, वर्ण या अक्षर समन्वय के नाम से, या चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जानते हैं। पेपर में मान लीजिए आपका आ जाए और इनमें से कोई एक नाम दिया रहे और कहे कि माहेश्वर सूत्र को हम अन्य नाम से जानते हैं, इनमें से कोई भी एक सूत्र का नाम सही दिया रहे, इनमें से मतलब कोई दिया रहे और तीन अन्य नाम दिए रहे, तो हमारा इनमें से जो भी नाम दिया रहेगा उस पर हम ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, इसको नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में आप लोग। तो हम जानते हैं कि प्रत्याहार सूत्र इसको क्यों बोलते हैं, माहेश्वर सूत्र को। तो देखिए, प्रत्याहार सूत्र हम माहेश्वर सूत्र को इसलिए बोलते हैं क्योंकि माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार सूत्र का या प्रत्याहार का निर्माण होता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण होता है, है ना। और हम इनको शिव सूत्र क्यों बोलते हैं?
तो भैया शिव सूत्र हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान महेश को हम शिव के नाम से जानते हैं, या भगवान शिव को ही हम महेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं। पाणिनि सूत्र क्यों बोलते हैं इनको? तो पाणिनि सूत्र भैया हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि महर्षि पाणिनि ने, ठीक है, महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों को अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया, या इनको लिखित रूप से इनका वर्णन किया, ठीक है। चौथा है वर्ण या अक्षर समामनाएं। तो वर्ण या अक्षर समामनाएं हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत संस्कृत की वर्णमाला समाहित है, ठीक है, संस्कृत की जो हमारी वर्णमाला है वो इसी सूत्र के अंतर्गत समाहित है, 9 स्वर और 33 व्यंजन अभी बताएंगे आपको। और उसके बाद अगला हमारा नाम है चतुर्दश सूत्र, महेश्वर सूत्र का हमारा अगला नाम है चतुर्दश सूत्र। तो चतुर्दश सूत्र हम क्यों बोलते हैं इसको? चतुर्दश सूत्र हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत कुल हमारे 14 सूत्र आते हैं। कितने सूत्र आते हैं? 14 सूत्र आते हैं। अब हम उन सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं कि हमारे 14 सूत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे कुल 14 सूत्र हैं, मैं आपको पढ़ के यहां पर बता रहा हूं, बोलकर पढ़ा रहा हूं। ये जो पहला हमारा सूत्र है ये है आ ई उण, दूसरा हमारा सूत्र है रिलेख, तीसरा हमारा सूत्र है ए औंग, चौथा हमारा सूत्र है ए औच, पांचवा हमारा सूत्र है हय वरट, छठा हमारा सूत्र है लड़, सातवां हमारा सूत्र है यम मंगलनम, इसको हम बोलेंगे यम मंगलनम, आठवां हमारा सूत्र है झभिया, और नवा हमारा सूत्र है घड़धस, दसवां हमारा सूत्र है जब गड़दस, और ग्यारहवां सूत्र हमारा है खफ छठत चटतो, खफ छठत चटतो, बारहवां सूत्र हमारा है कपय, तेरहवां सूत्र हमारा है शशर, और चौदहवां सूत्र हमारा है हल। तो दोस्तों देखिए, कुल 14 सूत्र आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। पहला हमारा है आई उड़, दूसरा हमारा है रिलेख, तीसरा हमारा है ए ओंग, चौथा हमारा है ए औच, पांचवा हमारा है हैवरेट, छठा हमारा है लड़, सातवा हमारा है यम मंगलनम, आठवां हमारा है झभिया, नौवां हमारा है घड़दस, दसवां हमारा है जब घड़दस, ग्यारहवां हमारा है खफ छठत चटतो, और बारहवां हमारा है कपय, और तेरहवां हमारा है शशर, और चौदहवां हमारा है हल। तो कुल 14 हमारे महेश्वर सूत्र हैं और मैंने इनके आपको अन्य नाम बता दिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इन महेश्वर सूत्र को हम प्रत्याहार के रूप में कैसे बदलें। तो प्रत्याहार कैसे बनाएंगे हम, जरा हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखें, जैसे मान लीजिए हमारा प्रत्याहार आ जाए, अक प्रत्याहार आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि बताइए अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं या अक्षर आते हैं। तो भैया अब हम क्या करेंगे, यहां पर छोटा आ से शुरुआत है और यहां पर का पे खत्म है, हमारा क्या हो गया है अक, अक ये हमारा एक प्रकार का प्रत्याहार है। अब देखिए इन दोनों अक्षरों में अंतर क्या है, या इन दोनों वर्णों में अंतर क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो छोटा आ है इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, और जो का वर्ण है इसमें हलंत लगा हुआ है। तो जो ये हलंत वर्ण है आपको इस महेश्वर सूत्र में कुल 14 देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है ये, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इस का के नीचे हलंत लगा हुआ है, इस गा के नीचे लगा
हलंत लगा हुआ है, इस चा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इस टा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इस रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है, इस मा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इस इया के नीचे हलंत लगा हुआ है, इस मूर्धन्य सा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इस तालावी सा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इस वा के नीचे हलंत लगा हुआ देखिए, और इस या के नीचे हलंत लगा हुआ है, और इस रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, और इस ला के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जो वर्ण हैं जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है कुल 14 वर्ण हैं, और इन वर्णों को हम बोलते हैं क्या, इत संज्ञक वर्ण। जरा हम जान लेते हैं संज्ञक वर्ण हमारे क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं इत संज्ञक वर्ण। तो इत का मतलब होता है लोप होना यानी गायब होना, ठीक है, इत का मतलब होता है लोप होना या गायब होना, लोप होना या गायब होना। कहने का मतलब इन वर्णों का प्रयोग हम सिर्फ प्रत्याहार बनाने में करते हैं, ठीक है, बाकी इनकी हम गणना नहीं करते हैं, है ना, इनकी हम गणना नहीं करते हैं क्योंकि इनका क्या जाता है, लोप हो जाता है, यानी ये गायब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारे हलंत वर्ण हैं इनको हम नहीं गिनेंगे या इनकी हम गिनती नहीं करेंगे। तो यहां पर पूछा गया है अग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अब आप क्या करेंगे, यहां से छोटा आ लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आ ई उण रिलेख, देखिए हमारा हलंत वर्ण यहां पर का ये मिल गया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लाइन खींच लेंगे और यहां से हम का को ऐसे मिला देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, अक प्रत्याहार, क्या बन जाएगा, अक प्रत्याहार। अब पूछा गया है कि इसके अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन से हैं, कौन से अक्षर हैं, तो भैया गिनेंगे हम जरा, छोटा आ इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है यानी इसकी हम गिनती करेंगे, छोटी ई या इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है इसकी हम गिनती करेंगे, छोटा ऊ, छोटा ऊ में हलंत नहीं लगा हुआ है इसकी हम गिनती करेंगे, रा, रा में देखिए दोस्तों यहां पर हलंत लगा हुआ है इसकी गिनती हम नहीं करेंगे, इसकी गिनती हम नहीं करेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऋण, ऋण की हम गिनती करेंगे, ऋण की हम गिनती करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि आगे हमारा कौन सा अक्षर है, तो हमारा देखिए आगे अक्षर मिल गया है रिली, क्या मिल गया है, रिली, तो रिली हमारा मिल गया है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे हमारा कौन सा और अक्षर आ रहा है, तो भैया देखिए हमारा एक अक्षर और आ रहा है आगे, हलंत वर्ण का, और का ही तक पूछा गया है, इसका मतलब हमको आगे अब नहीं बढ़ना है, इसका मतलब हमको आगे नहीं बढ़ना है और इसकी गणना हमको करनी नहीं है। तो भैया कुल हमारे 5 वर्ण यानी 5 अक्षर अक प्रत्याहार के अंतर्गत आए हैं, कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ऋण और रिली, ऋण और रिली, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मान लीजिए आपका आ जाए एच प्रत्याहार, क्या आ जाए आपका एच प्रत्याहार, तो भैया एच प्रत्याहार हम क्या करेंगे, यहां से हम ए लेंगे, यहां से हम चा लेंगे, हमारा बन जाएगा क्या एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, तो भैया गिन लेंगे हम ए ओ ए और ओ। तो देखिए मैंने इत संज्ञक वर्ण को मैंने छोड़ दिया है, जैसे यहां पर अंगा आया हलंत वाला और चाया हलंत वाला, यानी इत संज्ञक वर्ण, तो मैंने इनकी गिनती नहीं की, तो जब मैंने इनकी गिनती नहीं की तो मेरे पास कुल कितने वर्ण बचे इस सूत्र के अंतर्गत, 1 2 3 4, ठीक है, कुल 4 वर्ण मेरे पास बचे। देखिए ये जो आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं भैया, इनको हम बोलते हैं मूल स्वर, क्या बोलते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और ये जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे जो वर्ण आते हैं इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, संयुक्त इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो आपका रिली है, ये रिली भैया पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन,
ये हमारा कौन सा स्वर है? ये हमारा भैया वैदिक स्वर है। ये जो हमारा स्वर है इसको हम वैदिक स्वर बोलते हैं, क्योंकि इसका वर्णन हमारे लौकिक संस्कृत में नहीं होकर ज्यादा वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग ज्यादा किया गया है। इसलिए यह हमारा रिलीज जो है वो हमारा क्या है? वैदिक स्वर है। अब हम बात करते हैं अगले प्रत्याहार की, वो है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तो यहां से हम छोटा आ लेंगे और यहां से हलंत वाला चालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? अच हो जाएगा। यह हमारा क्या बन गया है? अच प्रत्याहार। अब इसके अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो भैया मैंने आपको बताया कि जो भी हलंत वाले वर्ण है उनको हम गिनती नहीं करेंगे। तो इसकी गिनती नहीं करेंगे, इसकी गिनती नहीं करेंगे, इसकी गिनती नहीं करेंगे और इसकी गिनती नहीं करेंगे। बाकी हम गिन लेंगे तो हमारा हो जाएगा छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा, छोटा ऊ, अब इसको छोड़ देंगे, अब हमारा ऋण हो जाएगा और हमारा रेली हो जाएगा और हमारा ए हो जाएगा और हमारा ओ हो जाएगा और हमारा ऐ हो जाएगा और हमारा औ हो जाएगा। तो भैया कुल नौ अक्षर, कुल नौ अक्षर हमारे जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं या आएंगे। ठीक है, और इन अक्षरों को जो है हम सभी स्वर या इस प्रत्याहार को हम सभी स्वर के अंतर्गत आने वाला प्रत्याहार कहते हैं, या पेपर में आपका आ जाए कि उस प्रत्याहार का नाम बताएं जिसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, तो हम क्या बता देंगे? अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं और इनकी संख्या जो मानी गई हमारी वो नौ मानी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो भैया ये हमने आपको बता दिया ऊपर स्वर का, और जो स्वर हमारे आते हैं वो माहेश्वर सूत्र के चार सूत्रों के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। एक सूत्र हमारा ये हो गया आई ओं, दूसरा सूत्र हमारा हो गया रिलिक, तीसरा सूत्र हमारा हो गया ए ओं, चौथा सूत्र हमारा हो गया ऐ ओच। तो कुल चार सूत्रों के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं और कुल 10 सूत्रों के अंतर्गत हमारे सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है अक प्रत्याहार को हम मूल स्वर के नाम जानते हैं, एच प्रत्याहार को हम दीर्घ या संयुक्त स्वर के नाम जानते हैं, रिली हमारा वैदिक स्वर है, और सभी स्वर हमारे अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं जिनकी संख्या 9 है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण। यहां पर जो हमारे व्यंजन वर्ण नीचे लिखे हुए हैं भैया, अब क्या करेंगे हम, यहां जानेंगे हम। यहां पर देखिए लिखा हुआ है वरट लड़, तो यहां से मान लीजिए आपका आ जाए यण प्रत्याहार, तो यहां से हम यण ले लेंगे और यहां से हम रा ले लेंगे, इति संज्ञक वर्ण। अब बात करें कि इसके अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, या यण को हम जो है, या यण को जो है हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो भैया या के अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अब हा से यहां गिनती नहीं करेंगे, हा को लेना नहीं क्योंकि हा से यहां पूछा नहीं गया है, तो यहां हम गिनती करेंगे या से, या वा रा। अब क्या है, टा हमारा इत संज्ञक वर्ण है, हम टा को नहीं गिनेंगे, टा को छोड़ देंगे और ला ले लेंगे, और आगे बढ़ेंगे हमारा आगे अड़ा, अड़ा हमारा इत संज्ञक वर्ण है यानी हलंत वर्ण है, इसकी हम गिनती नहीं करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो कुल चार वर्ण हमारे इसके अंतर्गत आते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत। यण प्रत्याहार के अंतर्गत भैया हमारे कुल चार वर्ण आते हैं, और इस यण प्रत्याहार को हम जो है एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। भैया ये पेपर में आपके कई बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, तो यहां पर आपके अन्य प्रत्याहार, आपके अलग अलग प्रत्याहार दे देंगे, जिसमें से आपका यण दे सकते हैं, अक दे सकते हैं, अच दे सकते हैं, एच दे सकते हैं, तो वहां पर हमारा कौन सा सही रहेगा? यण प्रत्याहार सही रहेगा। हमारा क्या सही रहेगा? यण प्रत्याहार हमारा सही रहेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? या वा रा ला, और संख्या कितनी पूछी गई है? चार, कुल चार संख्या इसके अंतर्गत है।
अब आगे हम बात करते हैं, एक हमारा प्रत्याहार आता है यम प्रत्याहार, और यम प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं और उनकी कुल संख्या कितनी है। तो यम प्रत्याहार के अंतर्गत भैया आने वाले हमारे वर्ण या है और मा है और अंगा है और ड़ा है और ना है। तो कुल पांच वर्ण हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, यानी यम प्रत्याहार के अंतर्गत इनकी संख्या भैया कुल पांच है, कुल पांच है। और इस यम प्रत्याहार को जो है हम वर्गों के पंचम अक्षर या पंचम व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। क्यों पंचम अक्षर बोलते हैं? क्योंकि यह हमारे जो पांच वर्ग माने गए हैं तो उन पांच वर्गों में सबसे ये अंतिम वर्ण हमारे आते हैं। ठीक है, जैसे काखा गघा अंगा इया, ठीक है, जैसे काखा गघा अंगा इया, लास्ट में हमारा क्या है इया आया। वैसे हमारा लास्ट में मा आएगा, हमारा लास्ट में अंगा आएगा, हमारा लास्ट में रड़ा आएगा, हमारा लास्ट में ना आएगा। ठीक है, सॉरी, काका का अंगा आएगा, फिर चाचा चाचा यहाँ आएगा, ये आपका आएगा। तो आपके अंतिम वर्ण हमारे आते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्गों के पंचम व्यंजन वर्ण। बात आ जाए, पूछा जाए प्रश्न कि वर्गों के जो पंचम व्यंजन वर्ण है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा यम प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्गों के पंचम व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, हम इस प्रत्याहार पर टिक कर देंगे। बात आती है वर्गों के चौथे व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो भैया झस प्रत्याहार एक हमारा है, और झस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्गों के चतुर्थ व्यंजन वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? वर्गों के चतुर्थ व्यंजन वर्ण आते हैं। इनकी संख्या कुल एक दो तीन चार पांच, इनकी संख्या कुल पांच है, इनकी संख्या कुल पांच है। उन अक्षर को लिख लीजिए, कौन कौन से अक्षर हैं, झ भ घ ढ ध, ये कुल पांच हमारे व्यंजन वर्ण है जो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और ये चतुर्थ व्यंजन वर्ण हमारे कहलाते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि चतुर्थ व्यंजन वर्ण हमारे किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे चतुर्थ व्यंजन वर्ण आते हैं, या झस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं, तो हमारे वर्गों के चौथे व्यंजन वर्ण आते हैं। बात करते हैं वर्गों के तीसरे व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, या जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत भैया हमारे आएंगे ज ब ग ड, और यहां पर मैं छोड़ गया भैया, जब गढ़, जब गढ़ दस, ठीक है, जब गढ़ दस, ठीक है। कुल पांच अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत। एक हमारा अगला प्रत्यय आता है खय प्रत्यय, प्रत्याहार आता है, और खय प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्गों के प्रथम और द्वितीय व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इसमें हमारे कौन से प्रथम है और कौन से द्वितीय हैं, तो देखिए का पा चा टा ता, ये जो हमारे हैं वर्ग के प्रथम व्यंजन वर्ण हैं, और जो खा फा छा ठा था, ये हमारे वर्गों के द्वितीय व्यंजन वर्ण हैं। जैसे का से हमारे प्रथम वर्ग का शुरुआत होता है, दूसरे वर्ग हमारा पास होता है, ठीक है, तो ऐसे हमारे ये हमारे प्रथम व्यंजन वर्ण है, और ये जो हमारे हैं द्वितीय व्यंजन वर्ण हैं, खय प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आते हैं। अगला हमारा आता है सर प्रत्याहार, एक हमारा आता है सॉरी सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है हमारे ऊस में व्यंजन वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार के हमारे ऊस में व्यंजन वर्ण आते हैं, इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण है, शा शा और हा, कुल चार संख्या इनकी मानी गई है, ठीक है, कुल चार संख्या हमारी इनकी मानी गई है। प्रश्न आपका आ जाए ऊष्म व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, भैया सल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे ऊष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण हमारे हैं, शा 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 हा, कुल चार हैं, ठीक है।
तो आज भैया मैंने सीखा माहेश्वर सूत्र की परिभाषा, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार की भैया कुल संख्या 42 है, संस्कृत में प्रत्याहार की संख्या कुल 42 है, और जो स्वर की संख्या इसमें मानी गई है वो 9 है। और यहाँ पर एक प्रत्याहार और भैया यहाँ पर बता दें आपको, वो है हल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत भैया 33 व्यंजन वर्ण आते हैं, ठीक है। बात की जाए कि सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो भैया हल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 33 व्यंजन वर्ण आएंगे, और अच प्रत्याहार के हमारे क्या आएंगे, 9 स्वर आएंगे, और एक स्वर भैया प्रत्याहार हमारा होता है अल प्रत्याहार होता है, और उस अल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सभी स्वर और सभी व्यंजन वर्ण हमारे आते हैं अल प्रत्याहार के अंतर्गत। यानी इस आ से लेकर पूरी श्रृंखला को हम जोड़ेंगे, यहां तक जोड़ेंगे और यहां तक खत्म करेंगे, हमारे पूरे 42 वर्ण आएंगे। संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संस्कृत में हमारे वर्णों की संख्या 42 मानी गई है। किसके आधार पे, वो हमारा आधार क्या है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के आधार पर हमारे वर्णों की संख्या 42 मानी गई है, और प्रत्याहार की संख्या कितनी मानी गई है, 42, और इत संज्ञक वर्ण की संख्या कितनी है, 14 है। माहेश्वर सूत्र संख्या कितनी है, 14। आज के लिए भैया बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम इनके जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं हम उनको चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।